दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार। अमेरिका ने कहा चीन जानकारी छिपा रहा, वहां से आने वाले सभी मुसाफिरों की निगरानी होगी। चीन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, भारत में बनी जेनरिक दवाओं को बेचने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध। कोविड के बेकाबू हालात के सामने चीनी सरकार घुटनों पर। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन, 60 से ज्यादा मौतें, सड़कों पर मर रहे लोग, महिला की 18 घंटे बाद कार में लाश मिली। नेपाल में एक घंटे के अंदर भूकंप के दो झटके, भूकंप से थर्राया नेपाल, 4.7 और 5.3 रही तीव्रता, नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। फिलीपींस में बारिश और बाढ़ से 13 लोगों की मौत, 23 अभी भी लापता। फिलीपींस में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। जम्मू में 3 आतंकवादी ढेर, तलाशी के दौरान ट्रक में छिपे आतंकियों ने की फायरिंग, गोला बारूद लेकर जा रहे थे कश्मीर। राष्ट्रपति के स्वागत में महाकाल प्रबंध समिति ने खर्च की दान की राशि, कांग्रेस ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की उज्जैन एसपी से शिकायत। नर्मदापुर जिले के विधायक सड़क हादसे में घायल, डंपर में जा रही घुसी जनप्रतिनिधि की कार, नर्मदापुरम के पूर्व विधायक और ड्राइवर घायल। दमोह में सुअरों से फैला अफ्रीकन स्वाइन फीवर, बीमार पशुओं को मारकर दफनाने का काम शुरू, सैंपलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि। सीएम धामी और ऊर्जा मंत्री ने किया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात, विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का ले सकेंगे आनंद। सीएम पुष्कर सिंह धामी 30 दिसंबर को जाएंगे कोलकाता, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में होंगे शामिल, नदियों व भूजल में प्रदूषित होने से रोकने के मद्देनजर देंगे सुझाव। चारधाम में प्लास्टिक प्रयोग पर लगेगा सख्त प्रतिबंध, क्षेत्र के हिसाब से बनेंगे प्लान, मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगाया प्रतिबंध। उत्तराखंड में एसटीएफ ने सीएससीसी में मारा छापा, विदेशियों के बनाए जा रहे थे आधार और आयुष्मान कार्ड, 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड के शीतलहर का कहर जारी, आज और कल बंद रहेगा हरिद्वार और सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरा का प्रकोप बढ़ा, ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में कोहरे का येलो अलर्ट। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक को T20 की कमान, वनडे में रोहित ही होंगे कप्तान। ट्वेंटी में होंगे 4 वर्ल्ड कप, हॉकी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, इस साल पहली बार महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप और वुमेन्स आईपीएल होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में रहा अफ्रीकी खिलाड़ियों का दबदबा, कुल 32 में से 14 टीमें, वहां के खिलाड़ी टॉप स्कोरर एम्बापे के पेरेंट्स भी अफ्रीकन फीफा वर्ल्ड कप में दबदबा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से नुकसान बनाए 575 रन, घोषित की पहली पारी, साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत। बांग्लादेश के मुख्य कोच रसेल डोमिंगो ने दिया इस्तीफा, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद लिया फैसला। डोमिंगो की कोचिंग में बांग्लादेश की टीम साल के अपने अंतिम टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारी।